Assalamualaikum. Hi everybody. How are you? I hope you are all ठीक हैं. I did say Assalamualaikum. Okay. So guys, today आज हम बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं रोहन? No. What is the book called? It's called our first दुआ book. ठीक है ना? हम अपनी पहली दुआ बुक बना रहे हैं बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं कि हम किस किस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला से ग्रेटफुल हों. आरेज, व्हाट आर यू हैप्पी विद? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अल्लाह ताला? इगुम एंड एंड ये इसकी अपनी निपल को कहते हैं. अब चली गई, बिग बॉय हो गए आप. रोहान, व्हाट डू यू वांट टू गेट फ्रॉम अल्लाह ताला? बुक्स एंड ओनली बुक्स. ओके, नथिंग एल्स. अल्हम्दुलिल्लाह. सो गाइस, द होल आइडिया इज कि बच्चों को पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या दुआ मांगनी है और किन चीजों के लिए शुक्र करना है. ठीक है, कोई भी प्लेन पेपर आप ले लें, कलरफुल हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, डजंट मैटर, इट कैन बी एनी कलर. ठीक है, आपने उसको बीच में से फोल्ड किया. आरिस, कैन यू, आई नीड योर हैंड फॉर वन मिनट. कैन आई टेक योर हैंड फॉर वन मिनट? फॉर वन मिनट. वन मामा, आई नीड योर हैंड आल्सो. कैन आई टेक योर हैंड प्लीज? आरिस प्लीज जानू. नो 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 नो, वी डू दिस आफ्टरवर्ड्स, बट आई नीड योर हैंड फॉर वन मिनट. सी, आई वॉन्ट टू, यस, प्रिंट इट. सी दिस, हमने हाथ को एज पे रखना है. ओके, थोड़ी थोड़ी उंगली खोले. नहीं नहीं नहीं, नॉट राइट नाउ, जस्ट वेट, वी हैव टू वेट. ओके, ठीक है. वेट 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 वेट, राजू, लेट मी ट्रेस योर हैंड. ठीक है, बच्चों के हाथ को आपने ट्रेस करना है. वाओ आरिस, यू आर डूइंग सच अ गुड जॉब. वाओ आरिस, वेट वेट, डोंट टेक इट ऑफ, डोंट टेक इट ऑफ येट. Thank you, Aris. Let me do this and I'll give you another paper too. Do your... You. Mama, I want blue color. Okay. This is blue color, Mama. Theek hai, don't do that, Jani. I want blue color. Okay, come sit here. I'll give you. Mama, this is blue. This is blue? Yes. No, this has blue on it. This has blue on it. Okay, you need another color paper. Mama, look, this can float. Light things normally float. When they have water in them, then they can sink. Okay, हम रोहान के साथ भी ऐसे ही करेंगे. Give me your hand, Rohan. You're right. ठीक है. ये देखिए, एज पे हमें बनाना है ताकि हम इसको बुक कवर की तरह यूज कर सकें. आई नीड योर हैंड. नो नो, दिस इज द सेम रोहान, दैट्स डर्टी. आई हैवंट फोल्डेड दैट प्रॉपर्ली. आई नीड टू फोल्ड दैट. जी, रमजान आने वाला है, सो आई वॉन्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स फॉर किड्स. सो यू नो व्हाट, नो आई कांट डू इट इन द मिडिल. द बुक नीड्स टू बी फ्रॉम द कॉर्नर, सो इफ वी डू इट फ्रॉम द मिडिल देयर आई विल नॉट बी एबल टू स्टिक इट टुगेदर. इफ वी डू इट देन रोहन, व्हाट्स द पॉइंट? वन टाइम इन द मिडिल एंड वन टाइम इन द कॉर्नर. ओके, अब हम इसको काटेंगे क्योंकि हम दुआ हाथ से मांगते हैं, तो हमें दुआ बुक भी ऐसी लगनी चाहिए कि हम हाथ खोल के दुआ मांगे. वन, इज दैट द होल आइडिया? मामा, व्हाई डू यू हैव टू होल्ड इन योर
Should I not say it? No. Okay. Okay, tell me five things you want from Allah Ta'ala. I remember you wanted a doggy. Don't you want a doggy? So, who will you ask that from? The doggy shop. The doggy shop, but who will send you to the doggy shop? The car. Who will get petrol in the car? The petrol man. And who will give him the money? Us. And where do you get money from? The bank. And how does the bank get money? By saving money. When you earn money, when you study hard, you earn money, and when you earn money, then you keep it in the bank. And who gives you work? Allah Ta'ala. Who gives you barakat? Allah Ta'ala. Right? No, I don't know. So, no, Allah Mia doesn't have any sons, okay? So, no Rohan, no Rohan. I want Allah Mia sons. Allah Ta'ala is the only one. He does not have any parents. He does not have any son. Theek hai ji, hamari ye ho gaye. Ab Rohan, now do you see this? Now can I do it with you? Look, it looks like I'm doing dua. Come on, let's do it. One hand here. Amazing, Rohan. That's a really nice to put, a way to put your hand. Are you a penguin? Yes. Because you sound like a penguin. अच्छा आज काफी सारी important बातें भी होंगी toddlers के लिए. Don't do that. ठीक है, ये हमारा हो गया. ऐसे हमने काफी सारे पेपर्स को यू काटना है. द बेस्ट वुड बी दैट यू डू इट टुगेदर. ठीक है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू रूहान. इफ यू वांट टू एक्ट लाइक दैट देन यू कैन स्टेप आउट ऑफ द रूम बिकॉज आई एम बिजी डूइंग द क्लास. ओके, एंड दैट्स बैड मैनर्स. दैट्स बैड मैनर्स. व्हेन समबडी इज टॉकिंग यू डोंट टॉक, अदरवाइज इट्स कॉल्ड बैड मैनर्स. Arez, what are you making? Napkin. Are you decorating something? Can I decorate? What are you decorating? You can decorate your book. No, but Arez is not giving me book. Can I have you, Arez? When Arez is done, he will give you book. Sorry, abhi mujhe ek aur glue chahiye, strong wala glue. But you're not behaving yourself. So if you don't behave yourself, then you don't get anything. No, because I'm a penguin. No, you're not a penguin. In real life, you're a boy. So you have to act like a boy. But right? I want to be a penguin. In playtime, you can be a penguin. I really want to be a penguin. Okay, guys. Ye hamare hands cut ho gaye. Look what a nice dua hand you have. Look at that. Yes? No, cut this. I'll cut that also. Theek hai ji, ab hum isme. Mama, not this one. That's your thing, so you cut it. Okay? But I don't know how to cut it. Yes, you do. Ye hamare dono book covers ho gaye. Ab hum lenge kuch normal paper. I need small scissors. It's too big. I'll give you small. Stop whining. When you're whining, I can't hear you. When you're talking, I can hear you. Okay, so guys, big scissor. Here's the scissor for you. I want a big scissor. That is too big for you. Or in papers for be hum. So the best ideal situation would be that आप अपने हाथ को यू मेजर करके इसका सेंटर निकाल लें पेपर का. बच्चों के डिपेंड करता है कितने बड़े हाथ हैं, कितने छोटे हाथ हैं. सो आई एम जस्ट गोना फोल्ड अ फ्यू एंड शो यू कि हम इनको एक साथ कैसे काटें. ये हो गया.
everyone. You're doing such a good job. Are you? You can have this scissor, the one you have. Oh, this is too big. This is only for mom. Why? What do you want to cut? If you talk like that, I don't understand what you say. Sorry. You can handle it. You take this scissor, you give this scissor to Aries. That's perfect. And you give this scissor to Bhaiya. This one. This one. No, we share Aries. Okay, so I will be right back, guys. आप जब तक ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि इसके pages हम कैसे बनाएं. Okay, guys. So as you can see कि मैंने इसमें तीन चार papers ऐसे एक के बाद एक करके डाला, right? एक के अंदर एक, फिर उसको खोला, फिर उसके अंदर एक और, फिर उसको खोला, फिर उसके अंदर इस तरह कई सारे. ठीक है, और वो पेपर्स मैंने काट दिए. जब मैंने काटे तो वो एक इस तरह की दुआ की फॉर्म में बन गए. फिर मैंने सुई धागा लिया और उसको यूं स्टिच कर दिया, तो ये कंप्लीट बुक बन गई है, जैसे कि मैं आपको ये करके दिखा दिया. ठीक है, तो मैंने इस पे यू नो जस्ट टाके, छोटे छोटे टाके आप लगा सकते हैं, आप उसको स्टेपल भी कर सकते हैं, ग्लू भी लगा सकते हैं, बट आई फील कि एक सॉलिड उसकी लॉक होने का ये बेस्ट तरीका है कि आप इसको सिलाई करें. राइट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस इन अगेन एंड पुट अ नॉट देयर. ये मेरा नॉट हो गया और मैंने इसको, सो दिस इज अ बुक ऑफ प्रेयर्स. Any person can make this. It's very good for kids to remember prayers bachpan se hi. Ke wo bachpan se hi seekhe ki unko duaen mangni hai, sone ki kya dua hai, uthne ki kya dua hai, aur bathroom jaane ki kya dua hai, raat ko agar dar lage to kya dua hai, and so on and so forth. So I wanted my kids to have this dua book and I thought I'll share this idea with you. Theek hai, ab hum isme जब बच्चे आएंगे तो वो अपनी कोई भी डेकोरेशन यू नो ये सब डाल के कर सकते हैं. इस पे रिबन्स लगा सकते हैं, इस पे ये स्टार्स लगा सकते हैं. इट्स गोइंग टू लुक रियली क्यूट एंड यू कैन डू पिंक कलर फॉर गर्ल्स पर्टिकुलरली इफ दे लाइक, यू नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स लाइक पिंक कलर एंड ब्लू कलर फॉर बॉयज. सो आई हैव डन अ बिट ऑफ बोथ फॉर बोथ ऑफ देम. सो हर पेज पे, सो इनसाइड हम खोल के हर पेज पे, सो लाइक आई आस्क्ड रोहान कि रोहान व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अल्लाह. सो ही वांटेड बुक्स. तो एक उंगली पे हम लिखेंगे बुक्स, एक उस पे जो भी आप अपने बच्चों के साथ बैठ के लिस्ट बनाएं ऑफ थिंग्स दे वांट फ्रॉम अल्लाह ताला एंड थिंग्स दे आर ग्रेटफुल टू फ्रॉम यू नो ग्रेटफुल फॉर फ्रॉम अल्लाह ताला. ठीक है ना, तो उस लिहाज से हमारी, अब इस पे आप लिख सकते हैं इंशाल्लाह. सो दिस विल बी इंशाल्लाह, आई विल गेट ऑल दीज थिंग्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह. आई होप आई एम गेटिंग द स्पेलिंग राइट, वरना प्लीज फॉरगिव मी. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव, सो थैंक यू टू अल्लाह ताला. ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे फाइव बहुत अच्छी दुआएं हैं बच्चों के लिए. आई हैव मेड अ नोट एंड आई वांटेड टू शेयर दोज विद यू सो यू कैन टॉक टू योर किड्स अबाउट इट. यू नो अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे डर जाते हैं रात को, तो उनको ये बताएं कि रात को अगर आपको डर लगे तो आप ये दुआ करें. सो वी वॉन्टेड टू डू अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह एंड माशाल्लाह. वट आर दे हैप्पी अबाउट? यू नो पेरेंट्स अम्मी के लिए खुश हैं, अब्बू के लिए खुश हैं, सो देयर विल बी माशाल्लाह. एंड देन दे कैन कीप राइटिंग ऑन दीज फिंगर्स. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया. देन योर फाइव दुआज कैन कम. सो दुआ फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ होम, going out from home, out of home, your duas can come here.
then when waking up from sleep. You know, kids are all about fantasy and magic and, you know, fairies and all of that. So you can actually create a story like that around these things. Ki hum, you know, isse hume ye angels protect karenge, isse hume ye angels protect karenge. So this is a very, very sweet way of connecting with them and that inculcating those values in them. कि हमारा भरोसा हमारा यकीन हमारा एतमाद अल्लाह पे है तो उसको हम पक्का कर रहे हैं ठीक है ये दो बहुत क्यूट सी बुक्स हमारे पास बन गई नाउ आई वांट टू क्विकली शो यू कि मेरे पास कार्टन्स थे फ्रिज के हमारा फ्रिज आया था तो उसके कार्टन्स मैंने संभाल के रखे हुए थे अब उस कार्टन के साथ मैंने क्या किया क्योंकि रमज़ान आ रहा है सो आई वॉन्टेड टू टर्न करके उसको ग्लू कर दिया और यहाँ से भी मैंने पीछे से इसको ग्लू भी किया है एंड टेप भी किया है ताकि वो बिल्कुल फर्म रहे ठीक है एक मेरे पास कम पड़ रहा था तो मैंने एक और कार्टन जो बच्चों के खिलौने का कार्टन था उसको मैंने यू नो द सेम शेप करके मैंने उसको यूं बना दिया सो इट इज़ अ रियली नाइस लाइक आई टोल्ड रोहान दैट दिस इज़ योर मस्जिद एंड यू हैव टू गो इनसाइड इट एंड प्रे सो ही गॉट रियली एक्साइटेड देन माय लिटिल वन गॉट एक्साइटेड कि मुझे भी नमाज पढ़नी है तो आप बच्चों को इस्लाम से रिलीजन से प्ले एंड फन तरीके से भी इन्वॉल्व कर सकते हैं Because for kids it's very boring, you know. So you need to involve them with these kind of things. So this I made. They got really happy. मैंने यहाँ तीन खिड़कियाँ बनाई थी और मेरा दरवाजा छोटा था. So Rohan kept on saying कि इसको बड़ा करें. I want to walk through it. पहले मैंने कहा नहीं ये design है. And then I thought that this I have made for the kids. So they should be able to enjoy, right? So it's not about what I have designed. It's about what they want. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड सो फिर मैंने इसको बड़ा कर दिया और एक खिड़की यहाँ पे दे दी अब हम इसको बंटिंग से डेकोरेट करेंगे छोटे लैंटर्न्स बनाएंगे चांद सितारे बनाएंगे सो वो एक हमारा वीक प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारे पूरे वीक का ये प्रोजेक्ट हो जाएगा ठीक है ना सो आई वॉन्ट कि आप लोग ये करें इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह करना है ताकि यू गाइस कैन डू दिस एट योर हाउस एंड यू नो Do this with your kids. These were the panels. I've cut them out. Okay, so I'm just going to show you on this piece of paper. Ye books abhi hum decorate karenge. So all this crazy mess is right here. And I'm not going to clean it. Theek hai? I'm just going to quickly show you what we want to do. We want 3 panels. To jo bhi aapka carton hai. चार हिस्सों वाला चार वॉल्स वाला उसमें से आप एक काट दें तो वो यूं हो जाएगा राइट सो इट विल बी अ पैनल लाइक दिस एंड दैट्स व्हाट वी वांट अ पैनल लाइक दिस ठीक है दिस इज द पैनल 1, 2 एंड 3 These are the 3 walls that we want. ठीक है तो आपने ये वॉल को निकाल देना है ये वाली वॉल आपकी निकल जाएगी और ये वाली वॉल आपकी ये वाली वॉल हो गई ठीक है फिर हमने क्या करना है हमने उसको सॉरी मेरे इधर बहुत कुछ है ठीक है तो आपका एक ये पैनल हो गया
एक आपका ये पैनल हो गया। आप ये छोटे से छोटे कार्टन के साथ भी कर सकते हैं। इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी यू नो अ बिग कार्टन। ठीक है, ये हो गया। और फिर जो फोर्थ पैनल है उसमें से आपने गुंबद निकालना है। सो लाइक दिस इज योर फोर्थ पैनल। अच्छा, गुंबद कैसे निकालना है? आपने पहले मेजर करके कि इसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, फिर आपने इसको इतना आपने लाइक अबाउट मैंने इतना छोड़ा था, सो दैट्स अबाउट 5 inches। और फिर आपने इसको यहाँ से मार्क करना है कि इसकी एंड कहाँ होगी। ठीक है, एंड जस्ट फ्री हैंड कॉन्फिडेंस रखें अपने हैंड पे कि ये आपका बहुत अच्छा बनेगा। जब आप ये काट लेंगे और ये पेपर आपके पास बचेगा, ये वाला गत्ता, तो ये ऑटोमेटिकली इसका दूसरे हिस्से पे आप यहाँ पे रख के इसको यूं बना सकेंगे। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली आपका ये वाला हिस्सा ये होगा, तो आप इसको काट के बना सकेंगे इसी तरह। तो ये हमारा ये गुंबद हो गया। आई एम जस्ट डूइंग अ रफ थिंग राइट नाउ। ठीक है, और इसी तरह आपके पास अगर एक्स्ट्रा गुंबद की जगह है और तो आपके पास वो है, वरना आप चार्ट पेपर से भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आपने छोटे गुंबद बना देने। ठीक है, और फिर मेक श्योर करें कि जो भी रिटन साइड हो वो अंदर की तरफ हो, ताकि जब ऊपर आप खोलें इसको तो ये बिल्कुल प्लेन है रहे। और फिर आपने दरवाज़ा बना देना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग योर किड्स आर, सो यू कैन जस्ट हैव द डोर लाइक दैट। ठीक है, एंड देन जस्ट मेक दीज काइंड ऑफ जैसे खिड़कियाँ होती हैं मस्जिद में, और आपने ये ज़मीन पर रख के कट आउट करना है। ठीक है, और इसी तरह जैसे हमने ये हाफ हाफ करके बनाया था, उसी तरह आपने ये भी बनाने हाफ हाफ करके, और फिर ये हो जाएंगे दोनों। तो एक बनाया, उसी दूसरे वाले को रखा और फिर ट्रेस कर दिया। और फिर पीछे से जब आप इसको बंद करने लगेंगे तो नीचे उनके पैनल्स होते हैं, पैनल्स को आपने ग्लू से चिपकाना है और चिपका देना है। सो बेसिकली योर कार्टन इज लाइक दिस, एंड देन आपने अंदर की तरफ से अपने तीनों गुंबद लगाने हैं। ठीक है, और फिर ये आपने कट आउट करना है कटर से जमीन पे रख के। ठीक है, रोहान, आर यू एक्साइटेड अबाउट योर मॉस्क? यस, कम। हाउ डिड यू नो आई वाज हियर? आई वांट टू सिट नेक्स्ट टू बाबा। ओके, यू कैन सिट नेक्स्ट टू बाबा। ठीक है जी, सो ये हमारा मॉस्क का आइडिया है, ये हमारा दुआ है, दुआ बुक है। रोहान, लुक, your dua book has so many pages. No, but even look at that. This is yours. That's our raises. Do you want to decorate it? Come decorate it with me. But this book is so chota. Because your hand is chota. Acha, come, I want to just ask you a few questions. Can you sit with me? Sure, I can. Yes, thank you, Rohan. Okay, so Rohan, Our first was, what do you want from Allah? Five things that you want from Allah. Think about it. Spider. Do you want a raptor? A raptor. Okay. You can draw a raptor. Let them have a good time. Let them have fun. The whole idea is for them to have a good time. ठीक है, सो वन इज अ रैप्टर, दैट्स अ ग्रेट रैप्टर रोहान। व्हाट्स योर अदर विश? आई विश आई कुड हैव अ नॉर्मल रैप्टर कार विद बिग व्हील्स एंड देन अ रैप्टर। सो दिस होल एक्टिविटी कैन बी अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद यू एंड योर किड्स अबाउट अल्लाह, about what all he can give. The whole idea, the whole concept of Allah needs to resonate at a very young age. ठीक है ना? So ये हो गया, कुछ मुझे आपसे बातें करनी है, वो मैं आपसे करूँगी थोड़ी सी देर में। I'm just gonna continue making the book with Rohan and then I'll catch you in a bit. Then I want that जितना पेपर, यू नो, प्रिटी मच आधा पेपर हमारे पास बच गया था।
फ्रॉम हियर वी मेड दिस, तो आधा पेपर हमारे पास बच गया था. उन सारे आधे पेपर्स को मैंने रख के उनके बीच में एक स्टार बनाया और फिर उसको काट लिया और फिर स्ट्रिंग से जोड़ दिया. तो ये मेरे पास मस्जिद की बंटिंग्स बन गई हैं. ठीक है, सो वी आर जस्ट गोना गो एंड हैंग दिस. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इस मस्जिद के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं. देयर इज सो मच दैट यू कैन डू विद दिस मॉस्क एंड द होल आइडिया ऑफ द मॉस्क. हम प्रेयर मैट्स भी बनाना सिखाएंगे. ठीक है ना, मैं इंशाल्लाह मेरे पास थोड़ा सा मैं कपड़े का वेट कर रही हूँ कि अगर मुझे कोई कपड़ा अच्छा सा मिल जाता है तो हम बच्चों की जानमाज भी बनाएंगे. ठीक है, सो दिस वॉज टुडेज क्लास. आई होप यू लाइक इट. आई हैड अ लॉट ऑफ फन मेकिंग दिस एंड देन आई रियली लाइक टू सी कि आप लोग किस तरह बनाते हैं, बिकॉज मुझे काफ़ी दफ़ा आप लोग और अच्छी चीज़ें बना बना के भेज रहे हैं. सो इट्स रियली अ लॉट ऑफ फन. वी टॉक्ड अबाउट द दुआ बुक, वी टॉक्ड अबाउट मेकिंग अ लाइफ साइज मॉस्क. और अगर लाइफ साइज नहीं बन सकती तो एक छोटे से कॉर्नर में, रूम में, बच्चों के रूम के लिए वो आप बना दें, अंदर लाइटें लगा दें, जो भी आपके पास हो बंटिंग्स वो लगा दें. अनदर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, बिकॉज मेरे पास बहुत सी क्वायरीज आ रही थी, और यू नो जो इनके बीच में से स्टार बचेगा आप उस स्टार को भी यूटिलाइज कर सकते हैं. सो नथिंग गोज टू वेस्ट. एक्स्ट्रा पेपर है वो भी बन जाएगा, उसकी बंटिंग्स बन जाएंगी, बंटिंग्स नहीं तो कुछ और बन जाएगा, बट पेपर कभी वेस्ट नहीं होता एक आर्टिस्ट के पास. एंड आई होप आप लोग भी ना वेस्ट करें. मेरे पास कुछ क्वायरीज आई थी कि 2 साल के बच्चों के लिए क्या करना चाहिए. सो आई गूगल्ड अ फ्यू थिंग्स एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई अक्यूमुलेटेड. 2 से 3 साल के बच्चों जो होते हैं, टॉडलर्स जिन्हें कहते हैं, उनको कुछ चीज़ें खुद करने देनी चाहिए आपको. ठीक है ना, आप उनको सिखाएंगे, आप उनके सामने करेंगे तो वो बहुत अच्छे से करेंगे. सो क्लीनिंग देयर स्पिल्स और क्लीनिंग आफ्टर देमसेल्व्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कहना है कि लेट्स क्लीन अप टाइम है, टाइडी अप टाइम है, और अब हमने फैला दिया है और अब हम इसको, तो फन तरीके से आप उसके साथ गाने गाते रहें कि या रेसिंग कर लें कि कौन जल्दी से वापस चीज़ें डालेगा. एंड कीप थिंग्स वेरी लाइक कोई डब्बे, आप जैसे जूते के डब्बे होते हैं उनको डेकोरेट कर लें कि सारी कलर पेंसिल्स एक डब्बे में होंगी, सारे आपके टॉयज़ एक डब्बे में होंगे, सॉफ्ट टॉयज़ अलग होंगे, बॉल्स अलग होंगी, यू नो इस तरह करके यू जस्ट मेक इट वेरी ईजी फॉर द किड्स टू मेक टू टाइडी अप आफ्टर themselves. ठीक है, फिर कुछ यू नो एक उनके लिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. तो कुकिंग के साथ अगर आप कुकिंग करती हैं तो बच्चों को एक छोटी सी स्पेस दे दें जहाँ पे वो अपनी कुकिंग कर सकें. तो उनको आटा दे दिया, ड्राई आटा दे दिया, बेलन दे दिया कि वो उसके साथ करते. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग इन द किचन, चाहे वो लड़के हों या लड़कियों हों, उनको आना चाहिए. ठीक है ना, एक सेकेंड. ओके, फिर तो सेफ्टी नाइफ होती है, जो प्लास्टिक की नाइफ्स होती हैं उनको, वो आप दे सकते हैं अपने बच्चों को. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई गिव आरेज एंड रोहान दोज नाइफ्स टू कट टमाटोज एंड यू नो पोटैटोज एंड स्टफ. द होल आइडिया इज़ के उनको इन्वॉल्व रखना है. और आप बच्चे बहुत अच्छे कॉपी करते हैं, तो जो आप करेंगी वो करेगा. तो जो आपका बिहेवियर जैसा होगा, आपका स्ट्रेस लेवल जितना होगा या आपका काम लेवल जितना होगा, उतने ही बच्चे आपके भी काम या स्ट्रेस्ड आउट होंगे. ऑल्सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी प्लेट उठा के किचन तक रख कर आए. तो ये सारी चीज़ें बहुत बचपन से होती हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए. तो आप उनको किचन में कोई ऐसा स्टूल रख दें छोटा कि वो अपनी प्लेट और चम्मच जाके उस स्टूल के ऊपर चढ़ के वो सिंक तक रख कर आएँ, ताकि उनको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हो कि उन्होंने भी कोई काम किया है. स्मॉल लिटिल बट इट्स वर्थ इट. ठीक है, और अपना खाना खुद खाएं. फिंगर फूड होता है, चिप्स होते हैं, कुछ यू नो स्नैक्स टाइम, स्नैक टाइम होता है, बिस्किट्स होते हैं, उनके हाथ में दे के वो खुद खाएँ. आप उनको फीड करना बंद करें. ठीक है, वॉशिंग देयर ओन हैंड्स, they need to wash their hands.
किड्स को बहुत बच्चों को सोप और इन सारी चीज़ों से बहुत मज़ा आता है, पानी से बहुत मज़ा आता है। तो आप उनके साथ टाइम गुजारें, 5 मिनट चाहे गुजारें। शुरू में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर इवेंचुअली दे विल स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स themselves. सो वॉशिंग देयर हैंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिक अप देयर टॉयज, लाइक आई सेड, यू नो 2 years are very capable of doing these things. तो अगर वो अपना सामान फैला रहे हैं तो फिर उनको उठाना भी चाहिए। मेरे बच्चे भी आजकल, मैं लगी हुई हूँ इन सारी चीज़ों पे उनके साथ। पुटिंग अवे ग्रोसरीज, तो जब आप बाहर से आते हैं सामान लेकर, तो उनको पता होना चाहिए हेल्प वर्ड कितना इम्पॉर्टेंट है, कि आप मुझे हेल्प करें या मैं आपको हेल्प करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हेल्प का बचपन से ही आना चाहिए, ठीक है। गेटिंग ड्रेस्ड एंड पिकिंग देयर ओन क्लोथ्स, सो आई नो इट्स अ लिटिल यू नो टायरसम के एक पहना दूसरा, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, कुछ भी पहनना है पहनने दें। क्लाउन्स लग रहे हैं लगने दें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। और जब आप उनको चूज करने का मौका देंगे तो आप उनको जिंदगी भर के लिए ये सिखा रहे हैं कि हमेशा जिंदगी में चॉइसेस होंगी, दे शुड नेवर फील कि वो स्टक हो गए हैं, ठीक है ना। तो आप उनको चॉइस करने की ये डेवलपमेंट कराएं कि दे शुड बी एबल टू चूज, दे शुड नो व्हाट चॉइसेस, दे शुड नो कि हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो वो चूज कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली ब्रशिंग देयर टीथ, सो इफ यू ब्रश योर टीथ इन फ्रंट ऑफ देम, दैट्स हाउ आई टॉट माई किड्स, कि मैं अब उनके सामने ब्रश करती थी दांत अंदर, यहाँ यहाँ, अप देयर, एंड वी वुड सिंग अ सॉन्ग। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली द किड्स पिक्ड इट अप एंड दे स्टार्टेड ब्रशिंग देयर टीथ themselves. सो 2 to 3 years, दिस इज वॉट यू वॉन्ट देम टू डू, यू वॉन्ट देम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ योर, यू नो, कि आपके सर पे ना रहें, आपको बिन बिन करके बुलाते ना रहें। आप उनको जब तक इंडिपेंडेंट खुद नहीं करेंगे वो नहीं होंगे, ठीक है सर। सो दे दीज वर अ फ्यू थिंग्स दैट सम मदर्स वांटेड टू आस्क, एंड आई एम नो बडी, बट आई जस्ट हैपन टू रिसर्च अ लॉट, एंड यू नो, सो आप भी रिसर्च करें, गूगल पे हर चीज़ें मौजूद हैं। मेरी ऑल्टरनेटिव क्लास होंगी, ऑल्टरनेट क्लासेस होंगी आज और फिर अब कल हम छुट्टी करेंगे, कल मैं कुकिंग करूँगी। कल मैंने पिज्ज़ा बनाए, 5 पिज्ज़ाज मैंने बनाए, और फिर पास्ता भी बनाया और कुछ डिज़र्ट भी बनाया, मैं क्रेजी चल रही थी कल, बट आई वॉज रियली एक्साइटेड टू कुक आफ्टर अ वाइल। सो आई एम गोना टेक अ ब्रेक टुमारो अगेन एंड माई क्लास कंटिन्यूज डे आफ्टर। तो परसों आपसे मुलाकात होगी। ये सारी चीज़ें मुझे बना के, स्पेशली दुआ बुक, यू नो, ये बना के मुझे टैग कीजिएगा। कुछ ख़वातीन आज भी कह रही हैं कि वो, मैं उनकी पिक्चर्स नहीं लगा रही, तो प्लीज़ इस पोस्ट पे जब भी वो पिक्चर वो मेंशन करें तो प्लीज़ आप लोग उनको समझा दें कि वो किस तरह टैग कर सकती हैं, बिकॉज मैं अब थोड़ा सा थक गई हूँ, मैं हर मैसेज नहीं देख सकती, बट मैं जितने मैसेजेस देखने की, रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ मैं वो कर देती हूँ। और जो जो मुझे टैग करता है, चाहे वो मेरा काम नहीं भी है और वो अपने काम को प्रमोट कर रहा है, मैं उनको भी टैग कर देती हूँ, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। परसों मैं आपको 3 बजे से 4 बजे तक बताऊँगी कि हम क्या बना रहे हैं, तो फिर आप उस लिहाज से चीज़ें जमा कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मिलूँगी मैं परसों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।